हमारे इसके दो हिस्से हैं, एक अंदर वाला हिस्सा और एक बाहर वाला हिस्सा। बाहर वाले हिस्से की दो लेयर्स हैं, नंबर वन क्रोना, नंबर टू फोटोस्फीयर, और अंदर वाले हिस्से की लेयर का क्रोमोस्फीयर कहते हैं। क्रोना इसके ऊपर वाले एटमोस्फेयर को कहते हैं और सूरज की सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं। जब आप सूरज की सतह को ढांपोगे तो आपको ये रोशनी नजर आएगी। असल में ये रोशनी सूरज की क्रोना यानी सूरज का एटमोस्फेयर है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सूरज की सतह का टेम्परेचर 5700 डिग्री है, जबकि इसकी क्रोना यानी इसके एटमोस्फेयर का टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्री है। जी हाँ, साइंसदानों को आज तक नहीं पता चल सका कि इसकी क्रोना का टेम्परेचर इतना ज्यादा क्यों है। ये बात आप जान लें कि सूरज क्रोना से बहुत ज्यादा सोलर विंड्स खारिज करता है। ये सोलर विंड्स सूरज से निकलकर पूरे सोलर सिस्टम में फैल जाती हैं। आमतौर पर इनकी रफ्तार इतनी तेज नहीं होती, लेकिन कभी कभी इनकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। जब ये अपनी तेज रफ्तार से हमारी जमीन से टकराती हैं, तो सोलर विंड्स के प्रेशर से हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होने लगती है, और उस वक्त ये सोलर विंड्स जमीन के मैग्नेटिक फील्ड के कमजोर वाले हिस्से से जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाती हैं, जिनकी वजह से जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर अरोरास देखने को मिलते हैं। ये अरोरास कुछ ऐसे दिखाई देते हैं जिनको अंटार्कटिका, कनाडा और फिनलैंड के एरियाज में देखा जाता है। जब ये अरोरास बनते हैं तो साइंसदान समझ जाते हैं कि सोलर विंड्स की रफ्तार तेज हो रही है। इन सोलर विंड्स की वजह से हवा में मौजूद सैटेलाइट्स तबाह हो जाती हैं और इनका असर जमीन के कम्युनिकेशन सिस्टम पर भी होता है, और आज तक इन सोलर विंड्स की वजह से बहुत ज्यादा सैटेलाइट्स तबाह हुई हैं। लास्ट मंडे नाइट यानी 3 दिसंबर 2023 को नोआ स्पेस वेदर प्रेडिक्शन ने कहा कि मंडे को सोलर विंड्स का बहुत तेज तूफान जमीन की तरफ आया, और ये सोलर विंड्स सूरज के क्रोनल हॉल से निकली, जिनकी रफ्तार बहुत तेज थी, और ये सीधा जमीन की तरफ आ रही हैं। क्रोनल हॉल सूरज की वो जगह है यहाँ सोलर विंड्स बनती हैं, जो क्रोना से बाहर निकलकर स्पेस में फैल जाती हैं। और आज भी सूरज के क्रोनल हॉल से बहुत तेज सोलर विंड्स निकली, जिनकी डायरेक्शन जमीन की तरफ है। यानी ये सोलर विंड्स जमीन के गिर्द घूम रहे हजारों सैटेलाइट्स को तबाह कर सकती हैं, और साथ ही ये स्पेस में मौजूद स्पेस क्राफ्ट और जेम्स स्पेस टेलीस्कोप को भी डैमेज कर सकती हैं। साइंसदान सोलर विंड्स को बहुत देर से स्टडी कर रहे थे, लेकिन उनको पता ही नहीं चल रहा कि आखिर सोलर विंड्स की रफ्तार कब तेज होती है और कब कम होती है, और ये कब एक तूफान की तरह जमीन की तरफ आती हैं। इनको स्टडी करने के लिए पार्कर सोलर प्रोब को भेजा गया, लेकिन अभी तक नासा के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि आखिर सोलर विंड्स कब तेज होती हैं और कब स्लो होती हैं। इसके बाद बात करते हैं क्रोमोस्फेयर की। ये सूरज के अंदर वाले हिस्से की लेयर है। इसे देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। साइंसदान इस लेयर के बारे में जानना चाहते हैं। उनके मुताबिक इस लेयर का असर सूरज की क्रोना पर होता है। ये लेयर ज्यादातर व्हाइट कलर में दिखाई देती हैं। नासा ने अपने एक स्पेसक्राफ्ट आईएस सोलर अवाइटर और हवाई में मौजूद टेलीस्कोप से मुख्तलिफ फिल्टर्स का इस्तेमाल करके इस लेयर की तस्वीरें खींची, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी इन तस्वीरों से हम पहली बार सूरज के अंदरूनी हिस्से को देख रहे थे। इस लेयर में बहुत रोशन हेयर को देखा गया है, जो इस चीज को जाहिर करते हैं कि यहाँ प्लाज्मा का असर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पर हो रहा है। ये स्ट्रक्चर एक बलून की तरह का है, जिनसे मजीद स्ट्रक्चर बनते हैं, और इस तस्वीर में नजर आने वाले हर हेयर का साइज हमारी स्पिन के बराबर है। क्रोमोस्फीयर को स्टडी करके साइंसदान सोलर स्ट्रॉम के बारे में जान सकते हैं, जिससे साइंसदान को पता चल जाए कि ये स्ट्रॉम कब आएगा। इस वक्त नासा का आईएस सोलर अवाइटर सूरज आज पार्टिकल को स्टडी कर रहा है। ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका ताल्लुक सूरज के मौसम से है। मार्च 2022 में ये स्पेसक्राफ्ट सूरज के करीब मरकरी के ऑर्बिट में पहुंच चुका था। वहां उसने जो स्टडी की उसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसने सूरज की ऐसी खसूसियात को कैप्चर किया जिनको नासा ने पहले कभी नहीं देखा। इनमें से एक का नाम सोलर हेडयुक है। इसे आप तस्वीर में निचले वाले हिस्से में देख सकते हैं। इस चीज के बारे में साइंसदान को कुछ नहीं पता कि ये कैसे बन रही हैं। हो सकता है ये स्ट्रक्चर मैग्नेटिक फील्ड के टकराव से बन रहा हो। इसमें सिर्फ अल्ट्रा वायलेट रेज को देखा गया है। ये स्ट्रक्चर देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इसका साइज जमीन से 25,000 किलोमीटर ज्यादा है, और इसे जो गैसेस निकल रही हैं वो बहुत ज्यादा गर्म है। इन गैसों का टेम्परेचर भी 1 मिलियन डिग्री है। इसके अलावा इस टेलीस्कोप ने सूरज से निकलने वाली सोलर फ्लेयर्स को बहुत ज्यादा करीब से स्टडी किया। इन फ्लेयर्स को सूरज की क्रोना में भी देखा गया है।
ये सोलर फ्लेयर्स की वीडियो है जिसमें सोलर फ्लेयर्स कितने पावरफुल हैं। इसके अलावा सूरज पर कई धमाकों को भी देखा गया है जिनसे क्रोनल मास इजेक्शन होता है, लेकिन अभी तक नासा को इन धमाकों के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो इनको जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनके बारे में जानकर सोलर विंड्स की रफ्तार का पता चल सके कि वो कब तेज होती हैं और कब स्लो होती हैं। इसके अलावा स्पेसक्राफ्ट ने सूरज के पोल्स की भी वीडियो बनाई। नासा का कहना है कि सूरज पर मैग्नेटिक स्टॉर्म इन पोल्स की वजह से आते हैं और इसी जगह पर सूरज के सारे राज छुपे हैं। साइंसदान का कहना है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का एक साइकिल हो सकता है। उनके मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड सूरज की सरफेस पर बनती हैं और फिर वहाँ से पोल्स में आती हैं और वहाँ से फिर सूरज में जाती हैं और फिर इसी तरह इक्वेटर के करीब से ये साइकिल फिर से शुरू होता है। अगर हम ये देख सकें कि सूरज के पोल्स में क्या हो रहा है तो हो सकता है कि वहाँ हम कई सनस्पॉट्स देख सकें जो बहुत ज्यादा रेडिएशन के खारिज होने की वजह से बन रहे हैं। साइंसदान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सोलर स्टॉर्म के बारे में किसी तरह जान पाएं ताकि वो इन सोलर विंड से किसी तरह बढ़ सकें, लेकिन उन्होंने अभी तक जो भी स्टडी की है वो कम है। उनके पास इन सोलर विंड्स की रफ्तार के बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो फ्यूचर में इनके बारे में जान सकें। इन सोलर विंड्स के तेज होने की सबसे बड़ी निशानी अंटार्कटिका, कनाडा और फिनलैंड के आसमानों में बनने वाले अरोरास हैं। जब भी आप इन अरोरास को आसमानों में देखें तो समझ जाएं कि सोलर विंड्स की रफ्तार तेज हो रही है और ये हमारी जमीन के किर्द मौजूद सैटेलाइट्स को खत्म करने वाली हैं और इसका असर जमीन के कम्युनिकेशन सिस्टम पर भी हो सकता है। ये टेलीस्कोप सोलर मौसम, क्रोनल मास इजेक्शन और मैग्नेटिक स्टॉर्म्स की पेशेंटगोई करने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट की रेडियो फ्रीक्वेंसी में कुछ डिस्टर्बेंस को डिटेक्ट किया गया है। ये डिस्टर्बेंस इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड से इंट्रक्शन की वजह से पैदा होती है। जब ये होता है तो यहाँ से एक खास किस्म की वेव्स निकलती हैं। ये फ्यूचर मिशन के लिए एक अहम साइन है। ये साइंसदान को क्रोनल मास इजेक्शन के बारे में बताएगा जिसके नतीजे में स्पीड पर बहुत से स्ट्रॉम आएंगे। अभी इस ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप ने सूरज के बारे में न्यू डेटा कलेक्ट करना शुरू किया है। कुछ ही टाइम में इसने सूरज के बारे में बहुत ही अहम डिस्कवरीज की हैं, जिनको मैंने आज की इस वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।